नमस्ते दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसका टॉपिक है एक्सेवेटर को ऑपरेट करते समय ऑपरेटर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक्सेवेटर को ऑपरेट करते समय। सबसे पहले आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये माइंस लोकेशन का है। ये माइंस लोकेशन में ये फेस साइड मक फाइल है जिधर से ऑपरेटर लोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर को ब्लडिंग प्लेटफॉर्म का ध्यान देना है कि ब्लडिंग प्लेटफॉर्म शुड बी गुड इन हाइट। दूसरी बात, लोडिंग एरिया सराउंडिंग का ध्यान देना है जो कि सेफ और सिक्योर रहे और क्लीन रहे, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। जो लोडिंग एरिया उसका रोड बराबर है कि नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं है, वो सभी चीज़ों का ध्यान देना है ताकि लोडिंग करते समय किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। और उसी के साथ साथ ऑपरेटर को ये भी ध्यान देना है कि मिनिमम 30 मीटर्स का डिस्टेंस मेंटेन करना है टिप्पर्स के साथ और लोडिंग करते समय, ताकि मशीन और गाड़ियों के बीच कोलिजन होने से बचने के लिए मिनिमम 30 मीटर्स का डिस्टेंस तो मेंटेन करना है। जितना भी हो सके अपने एरिया को नीट एंड क्लीन रखना है ताकि लोडिंग टाइम को भी कम से कम किया जा सके। ऑपरेटर को लोडिंग के समय जितने भी हैंगिंग या लूज मटेरियल है, जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं हैंगिंग या लूज एरिया है फेस साइड में, उसको लोडिंग करते समय ही क्लीन करते रहना है। लूज मटेरियल को गिराना है, हैंगिंग जो भी हैंगिंग मटेरियल है उसको भी बकेट की हेल्प से ड्रेसअप करके करना है ताकि नेक्स्ट कभी भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। और जब ऑपरेटर लोड करता है तो कई कई बार लार्ज अमाउंट में डस्ट क्रिएट होने लगता है जिसके कारण उसको विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। लोडिंग करते समय उसको सामने का कुछ भी नहीं दिख पाता है, इसके लिए वाटर स्प्रिंकलर किए तो डस्ट में कंट्रोल किया जा सकता है। फेस ड्रेसिंग करते टाइम ऑपरेटर को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं फेस ड्रेसिंग किया गया है, तो ऑपरेटर को बहुत ही केयरफुली करना चाहिए क्योंकि कई कई बार आप इस इमेज में देख सकते हैं कि फेस के टॉप में ड्रिल होल्स हैं। अभी ड्रिल होल्स डैमेज नहीं होना बोले तो बहुत ही केयरफुली ड्रेसिंग करना है। कई कई बार एक बेंच के अलावा जिधर मशीन चल रहा है उसके ऊपर टॉप अप में एक और मशीन ड्रिलिंग का काम कर रहा है या ब्रेकर अप का काम कर रहा है, तो उसका भी एक डिस्टेंस मेंटेन करके ही वर्किंग ऑपरेट किया जाएगा। लोडिंग करते समय अलर्ट रहें कि उनके नियर बाय मशीन के रेडियस के नियर बाय कोई आदमी, कोई मशीनरी, एनी अदर्स ऑब्जेक्ट तो नहीं है। और ये भी ध्यान दें कि लार्ज अमाउंट में बोल्डर ब्लास्टिंग का होने के बाद कई कई बार कुछ अमाउंट में बोल्डर्स बच जाते हैं जिनका फ्रेगमेंटेशन ब्लास्टिंग के समय नहीं हो पाता है बराबर, तो वो बिगर साइज बोल्डर को टिप्पर्स में लोड ना करें क्योंकि एक तो बड़ा साइज का बोल्डर अगर टिप्पर में लोड करेंगे तो कई कई बार ऑपरेटर्स काफ़ी ऊंचाई से बोल्डर को छोड़ते हैं तो टिप्पर बॉडी फर्स्ट डैमेज होता है। दूसरा, अगर उन्होंने लोड कर दिया तो वो हॉल रोड या किसी भी रैंप में वो बोल्डर गिर जाएगा और रास्ता जाम करता है। तीसरा, अगर वो कई बार क्रशर में चला गया तो क्रशर को भी जाम करता है, ग्राइंडिंग पाथ को भी डैमेज कर देता है जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा नुकसान ओनर को, कंपनी को, कॉन्ट्रैक्टर को, तीनों को भुगतना पड़ता है। अब बोल्डर की बात हुई तो अब बोल्डर से कैसे बचा जाए, तो ब्रेकर का, रॉक ब्रेकर का यूज़ करके बोल्डर को
ही स्मॉलर साइज में कर देना चाहिए ताकि लोडिंग के समय ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। कई कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि दो दो मशीन एक साथ चलाना पड़ता है, तो एक चीज़ का ध्यान देंगे कि वो दोनों मशीन का दूरी मेंटेन रहे। प्रोडक्शन टाइम में बहुत बार प्रोडक्शन को पाने के लिए लोडिंग स्लो हो जाता है। अभी लोडिंग स्लो होने के क्या क्या रीज़न है कि हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा है, तो चलिए देखते हैं। स्लो लोडिंग होने का रीज़न ये है, जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये जो कैट पीसी है ये फेस की तरफ टच हो गया। अब इसके पास लूज मटेरियल नहीं है, तो अभी इसको हार्ड फेस आ रहा है, अब इसको ड्रेसिंग भी करना है, तो जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि टिप्पर्स वेटिंग पे हो रहा है, आइडल है, और मशीन का रनिंग आवर्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी प्रोडक्शन को अफेक्ट किया। अब ये पीसी ड्रेसिंग भी कर रहा है साथ साथ में, ताकि फेस ड्रेसिंग प्रॉपर हो नेक्स्ट ब्लास्टिंग के लिए। तो इसका जो बकेट का टीथ पॉइंट है वो भी अफेक्ट हो रहा है क्योंकि हार्ड फेस है, तो टीथ पॉइंट अफेक्ट हुआ तो टीथ पॉइंट लूज हो जाता है। अभी टीथ पॉइंट लूज हो गया तो वो लोडिंग करते समय गिर सकता है, या तो मग फाइल पे या तो लोड टिप्पर में, और अगर लोड टिप्पर में गिरा तो क्रशर गया और क्रशर को डैमेज किया करेगा। इसलिए अगर बहुत ही हार्ड फेस है तो टीथ पॉइंट का भी बहुत ही सावधानी से करते समय लोडिंग करें। अभी दो दो पीसी एक ही बेंच पे एक ही साइड में चल रहा है, तो एरिया भी कंजेस्टेड होने के कारण भी लोडिंग स्लो होता है। इधर आप देख सकते हैं 45 डिग्री में ऑपरेटर लोडिंग कर रहा है, सफिशियंट लाइटिंग रहता ही है, जिसके कारण डे टाइम में तो सफिशियंट लाइटिंग रहता है, नाइट में भी सफिशियंट लाइटिंग प्रोवाइड होना चाहिए लोडिंग एरिया में, ताकि लोडिंग स्लो ना हो और क्लियर विजिबिलिटी रहे, इतना तो लाइट होना ही चाहिए। एक्सेवेटर के जो भी बकेट के टीथ हैं वो मिसिंग ना हो, इसके लिए ऑपरेटर को हर ईच ट्रिप में अपने टीथ चेक करने चाहिए, और अगर बाय चांस मिस हो गया तो तुरंत ही अपने सुपरविजन ह्यूमन को इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और विदाउट बिना टीथ के मशीन को ऑपरेट ना करें, नहीं उसका जो टूथ पॉइंट है वो डैमेज हो जाएगा, जो कि फिर बहुत ही कॉस्टली आपको पड़ेगा। कई कई बार ऑपरेटर्स ओटी ओवर टाइम करते हैं, कई कई बार सिक हो जाते हैं, उनका कुछ तो फैमिली इशू रहता है, जिसके कारण वो सही से ऑपरेट नहीं करते, ये उनको प्रॉब्लम होता है, तो इसका भी ध्यान दें कि ज़्यादातर ऑपरेटर्स ओटी पे ना रहें। अपना जो भी फैमिली हेल्थ इशू है अगर है, तो वो ड्यूटी उस दिन अवॉइड ही करें तो बेटर है, क्योंकि ये हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी है, इसको ऑपरेट करने के लिए हमेशा ऑपरेटर को एक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये हमारे लोडिंग टाइम को भी अफेक्ट करता है, जिसके कारण लोडिंग स्लो होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे कि हमको मालूम चला कि लोडिंग स्लो क्यों होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे एक्सेवेटर को ऑपरेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।